गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड तो मेरी गुड़िया रानी की है, जो रोज सुबह तुम्हारी आवाज सुन के उठती है और तुम इसका इतना ख्याल रखती हो। क्या? गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये रोने वाली है। आप मुझे मुझे दे दीजिए, इसको भूख लगी है। अले अले अले, क्या हुआ क्या हुआ, भूख लग रही है, चलो। वैसे दरवाजे के बाहर यूं खड़े होकर अपनी बेटी को देखते देखते आपकी पहली कॉफी का कप तो खत्म हो गया। आप कहीं चेक करने तो नहीं आते कि मैं आपकी कुहू का ढंग से ख्याल रख भी रही हूँ या नहीं? करेक्ट, मैं यही तो चेक करने आता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं है सिवाय तुम्हारी चौकीदारी करने के, कि तुम ठीक से मेरी कुहू का ख्याल रख रही हो या नहीं। आप भी ना। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं आपके लिए एक कप कॉफी और बना देती हूँ। मैं वैसे भी कुहू को दूध देकर घर में सबके लिए चाय बनाने जा ही रही हूँ किचन में। हीर, तुम यहाँ पर कुहू की केयर टेकिंग के लिए, घर की केयर टेकिंग के लिए भाभी है ना? अरे क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब, मैं तो वैसे भी जल्दी उठी जाती हूँ। तुम हमेशा से ऐसी हो, सुबह उठने वाली। हीर, हीर, उठ जा, अब तू ससुराल जाने वाली है। अगर इतनी देर देर तक सोएगी ना तो तेरी सास ना तुझे फिर से वापस भेज देगी यहाँ पे। कहाँ खो गई? सूरज भगवान से 3 घंटे पहले उठ जाती हो, सुबह 4 से 8 बजे तक दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती हो, और ये सब तुम पिछले 1 महीने से कर रही हो। ये स्केड्यूल है ना तुम्हारा, और ये सब तुम इसलिए कर रही हो ताकि तुम मुन्ना की माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठे कर सको। अरे मुझे बता दिया होता मैं कोई हेल्प कर देता, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं होती। आपको ये सब कैसे पता चला? तुमने तो मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया। मैं फैमिली बिजनेस में नहीं हूं, लेकिन हूं तो अपनी माँ का बेटा। बिजनेस की रेपुटेशन पे कोई आंच ना आए, इसलिए अंदर की सारी खबर रखता हूं मैं, समझी मिस केयरटेकर? पर आपको ये पता कब चला? कल रात को। क्यों? इसका मतलब माँ को भी अब तक वो, मैं जब सुबह वापस आई थी तब मुझे पता चला माँ जगजीत जी के साथ कहीं बाहर गई हैं। ओ डैम इट, हे माता रानी, मुन्ना की मदद करना। अच्छा बीजी, बीजी ये अपनी मूर्ति है, थैंक यू।
बीजी, ये है वो लड़का जो उस केयर टेकर हीर के साथ मिलके हमारी फैक्ट्री से महंगा मटेरियल चुराता, और फिर ये लोग बनाते हैं उसकी मूर्तियां। बीजी लाखों कमाएगी वो, लाखों। पता नहीं पिछले 6 महीने में कितना मटेरियल साफ कर दिया होगा इन लोगों ने हमारा। ये तो वाहेगुरु जी की मेहर है मेरे पे कि मेरी आंखें CCTV से ज्यादा तेज हैं, नहीं तो इन लोगों का तो जुगाड़ चलता ही रहना था फुल ऑन। ड्राइवर से बात हुई मेरी, माँ जगजीत भाई के साथ एग्जीबिशन में गई हैं, और जगजीत भाई को दोपहर में पता चल गया था कि तुम मूर्ति बनाती हो और मुझे शाम को। अगर ये बात आपको पता थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप अब बता रहे हैं जब जब सब कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, मुन्ना अलग मेरी वजह से फंस गया होगा। मुझे जरूरी नहीं लगा इसलिए नहीं बताया। अब किसी सही काम के लिए एक झूठ बोला है तो वो 100 सच के बराबर होता है। नहीं बताया मैंने। क्या होगा वहां मुन्ना? माता रानी मुन्ना को बचा लेना बस आप। भैया को तो जानती हो, उन्हें जो समझ में आया होगा उन्होंने वही बताया होगा। क्या समझाया होगा? समझाया होगा जगजीत ने माजी को? हाँ, बहुत अच्छी मूर्ति है, कितने की है? ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है। माजी, मूर्ति बोलती भी है क्या? अरे बीजी आप, सत श्री अकाल बीजी। ये मूर्ति और मुन्ना दोनों को फैक्ट्री भेजो। जी बीजी। और हीर के साथ हम वहीं पर बात करेंगे। जी बीजी। इस लड़की ने 6 महीने के अंदर हमारे घर और फैक्ट्री दोनों को सर पे उठा रखा, चोरियां कर रही है हमारी पीठ पीछे, और भी पता नहीं क्या क्या कर रही होगी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। नहीं, दीदी ने चोरी नहीं की। उसने जो कुछ भी किया उसके किए की सजा तो उसे मिलेगी, और वो सजा हम उसे देंगे। क्या हुआ कि भाभी? प्लीज, अभी वैसे ही बहुत टेंशन है। टेंशन क्रिएट की गई है तो टेंशन तो होगी ना। अकी, नाउ आई गेट इट। गलत काम ये करती है और गलत आपके भाई को समझा जाता है। वो ये गुड़िया सो गई है, मैं इसे पालने में छोड़कर आती हूँ। ये सब करने से पहले ये माजी से पूछ सकती थी, लेकिन नहीं, मैडम को तो अपनी चलानी है। अकी, ट्रस्ट मी, ये जैसी दिखती है ना वैसी बिल्कुल नहीं है। और आप लेकर आए हैं ना इसे, जिस दिन ये आपको धोखा देगी तब समझ में आएगा। ओ भाभी, प्लीज जस्ट स्टॉप इट। व्हाट स्टॉप इट? हाँ, आप तो झगड़ा करके घर से चले गए थे 2 साल पहले। आप तो बस 6 महीने पहले ही आए हो, आपको दिखता नहीं
कि माँ कितनी अकेली हो गई है, हाँ? और 6 महीने बाद वापस आई भी तो उस बच्ची के साथ। आपकी एब्सेंस में हमने ये पूरा घर संभाला, माँ को संभाला और बिजनेस भी। भाभी, भाभी आप बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रही हैं। माँ आएंगी तो मैं उनसे बात कर लूंगी। आप वाओ, मतलब अब मैं बात को बड़ा बना रही हूँ, दैट्स ग्रेट। एक मिनट, तुम उन्हें माँ क्यों बुलाती हो? हाँ, केयर टेकर बन के आई थी ना यहाँ, वो हिंदी में क्या कहते हैं, आया? मैडम बुलाया करो उन्हें, समझी? लो, माँ भी आई गई। आज जो हुआ वो मुझे, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, कितनी बार बताना पड़ेगा ये? और तुम क्या लगा था तुम्हें, तुम हमारी आंखों में धूल झोंकती जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? बीजी, बीजी मूर्ति को पहुंचा दिया फैक्ट्री में और वो लड़का भी पहुंच गया। मैं काम करता हूं, पुलिस को फोन कर देता हूं। जी बीजी, पुलिस को तो फोन। शाबाश, ये देख, ये है हमारी आंखें। अगर जगजीत नहीं होता तो हमारी पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है हमें खबर तक नहीं होती। माँ प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सुनाओ भी मत। तुम्हारे कारण तुम्हारी बच्ची इस घर में है और उस बच्ची के कारण ये लड़की यहां पर है। 6 महीने से मूर्ति बना रही थी तुम और हमें आज पता लगा कि तुम केयर टेकर नहीं, मूर्तिकार हो। ऐसी मूर्ति बना डाली, हमारे इतने महंगे सामान का इस्तेमाल किया, हमारे मजदूरों का इस्तेमाल करके उसे एग्जीबिशन तक भिजवा दिया और हमारे कानों कान खबर तक नहीं हुई हमें। माँ, एक एक मौका दीजिए, मैं आपको समझाती हूँ सब, मैंने ये सब क्यों किया। माँ, हीना जो कुछ भी किया मुन्ना की माँ के ट्रीटमेंट के लिए किया। उसकी माँ बीमार है। अक्षय, जिस बात से तुम्हारा वास्ता नहीं वहां मत बोला करो। माँ, बीजी, बीजी क्या हो गया आपको? इन सब चक्करों में आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। अर्चना, नाश्ता तैयार है? नाश्ता?
ओह नो, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और ये नाश्ता। जी माँ, नाश्ता तैयार है। ठीक है, पहले नाश्ता करेंगे, बाकी सब बातें बाद में। नाश्ता लगाओ, हम हाथ मुंह धोकर आते हैं। मेरे को बड़ी भूख लगी है जी, नाश्ता कर लेते हो पहले, हाथ पैर धुलते रहेंगे। जल्दी लाओ भाई, बहुत भूख लग रही है। क्या बनाया है? आलू पराठे। थे बहुत टेस्टी बने हैं, लेकिन आप खाइए ना माँ, प्लीज खाइए खाइए खाइए। और तूने बनाया तो टेस्टी होगा। बीजी, मैं तो कटोरियां देख के समझ गया था, जरूर कोई तरी वाली आइटम होगी, पूड़ी, आलू की सब्जी। और बेशर्मो, हद होती है हर चीज की। दोनों कुछ तो शर्म करो, हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। माना कि इस लड़की ने मूर्ति वाली बात हमसे छुपा कर गलत की, पर तुम जगजीत, तुमने क्या किया? तुमने पाप किया है, पाप। वो बेचारा गरीब मुन्ना अपनी माँ के लिए मदद मांगने आया था हमारे पास, हम व्यस्त थे और तुमने उसे धुतकार दिया। बीजी, लेकिन इसने चोरी की है। जुबान मत लड़ाओ जगजीत। हमारे मजदूर जो बचा हुआ माल फेंक देते हैं कचरे में, वो माल हीर इस्तेमाल करके पिछले 6 महीने से मूर्ति बनाना सीख रही है, वो भी अकेले, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ, बिना अपने काम पर असर डाले। इसे चोरी नहीं, गुण कहते हैं। दुर्गा माँ की मूर्ति देखकर तुम्हें समझ नहीं आया कि गुण किसे कहते हैं? और तुम अर्चना, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम इस घर को संभालती हो। अरे ये घर घर कहाँ था पिछले 6 महीने पहले तक? जानुम था जानुम, सारी सहूलियत होने के बावजूद भी खाना तक वक्त पर नसीब नहीं होता था। नौकर जिस दिन छुट्टी पर हो, उस दिन बाहर के खाने को घर का खाना बताकर खिलाया जाता था हमें। माँ, तुम्हारी वजह से हमारी शुगर की बीमारी भी बढ़ गई। ये घर घर तब बना जब ये लड़की आई। आई तो थी उस लड़की की केयर टेकर बनकर, पर पूरे घर को बखूबी संभाला है उसने, सबको संभाल कर रखा है इसने। ये लड़की क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए इसके खिलाफ हमारे कान भरना बंद करो तुम दोनों, समझे? देखकर इतना तो समझ आ गया है हमें कि तुम्हारे मां बाप के संस्कार बहुत अच्छे रहे होंगे।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.